अच्छा कैरेक्टर है ये, दिल्ली का लड़का है, कोई काम नहीं करता है लेकिन कुछ टैलेंट्स हैं उसके अंदर, क्रिकेट खेलता है, गाना गाता है, डांस करता है, और ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, जो टैलेंट्स हैं, उसको बहुत ही सॉट आफ्टर स्पर्म डोनर बनाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही लॉजिक है इसके पीछे, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के 19 बच्चे हैं, वो प्रोमो में आपको देखा होगा आपने, विच प्रूव्स दैट इज गॉट अ वेरी गुड स्पर्म काउंट। सो इवेंचुअली डॉक्टर चड्डा उनको कन्विंस कर लेते हैं, जिनका स्पर्म बैंक होता है, एक स्पर्म डोनर बनने के लिए। बनते समय कोई ऐसे कुछ पल जो आपकी जिंदगी में हमेशा यादगार रहेंगे, कोई ऐसे लम्हे आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे मेमोरेबल और सबसे बिजार कोइंसिडेंस ये है कि मैं रियल लाइफ में स्पर्म डोनेट कर चुका हूँ। 2004 में जब मैं एक रियलिटी सीरीज का हिस्सा था, इलाहाबाद में स्पर्म डोनेट किए थे, तब मैंने सोचा भी नहीं था यार कि भाई इस पर मैं एक डेब्यू फिल्म करूँगा, एक स्पर्म डोनर, प्रोफेशनल स्पर्म डोनर बनूंगा। सो आई थिंक इससे ज़्यादा बिजार कोइंसिडेंस किसी की लाइफ में हो नहीं सकता। फर्स्ट मूवी है, इनफैक्ट मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कुछ ना कुछ धमाल होने वाला है इसके साथ, एंड वी आर एक्चुअली गेटिंग दैट रिस्पॉन्स, मे बी हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था। A citizen, कुछ ऐसे कुछ टैबूज हैं सोसाइटी में, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सोसाइटी में जो टैबूज माने जाते हैं, जिनके लिए अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरत है ताकि उस चीज़ को हटाया जाए और उस चीज़ की अगर कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में उसका समाधान लाया जाए। एंड आई थिंक हमारी मूवी एक एंटरटेनर है, प्लस एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात कर रही है जो एक बहुत ही सेंसिटिव है, तो एक बहुत ही हमने एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की इस फिल्म के जरिए।